बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस की। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। सिंपल सिंपल एग्जांपल थी पी क्यू वाली, यू वी, जब जहाँ से यू वी से हमने एक्स वाई में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की। देन आपने उसकी कुछ टाइप्स पढ़ी, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, रोटेशन। आप मेरी वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, देन MTH 623 की प्लेलिस्ट में टेंसर एनालिसिस की। देन आपके पास अब हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन किस किस जगह पे, हम किस किस जगह में अपनी रियल लाइफ में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हमारे पास विच आर कॉज्ड बाय मूवमेंट डायरेक्शन एज वेल एज चेंज द कोऑर्डिनेट्स, विच आर कॉज्ड बाय चेंजेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। मैनी कॉमन स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग हमने जो पढ़ चुके हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, ये कॉमन है जो कि हैं, जिसको हम मैट्रिक्स ऑपरेशन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आपसे वो MCQs में पूछ सकता है कि हम कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, या वो आपसे ये भी कह सकता है कि हम स्केलिंग, रोटेशन और ट्रांसलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैट्रिक्स से, क्योंकि आपने रोटेशन में भी देखा हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बनी, स्केलिंग में भी एंड देन ट्रांसलेशन में भी। हाउ वी डिस्कस द एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस अब हम रियल लाइफ में कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैमरा इमेज प्रोसेसिंग में हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, रोबोटिक्स में रोबोट्स जो होते हैं आपके, देन आप कंप्यूटर रोबोटिक्स, रोबोट्स मैंने आपको कहा जो होते हैं, इट्स मीन कि हम जो रोबोट्स बनाते हैं, देन कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैमरा इमेज प्रोसेसिंग है, कैमरा इमेज प्रोसेसिंग की तरफ चलते हैं। कैमरा इमेज प्रोसेसिंग में आप क्या करते हैं, आपके पास आप वॉइड कोऑर्डिनेट होते हैं, आप उसको चेंज करते हैं। कैमरा कोऑर्डिनेट में ये थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन है, चार बेसिक है, आपके पास MCQs बन सकता है। वर्ल्ड से कैमरा में, कैमरा से फिल्म में, एंड फिल्म से पिक्सल कोऑर्डिनेट में आप उसको चेंज करते हैं। अब वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। कंसीडर थ्री कोऑर्डिनेट फ्रेम्स, यहाँ भी हम तीन फ्रेम्स कंसीडर करेंगे, वर्ल्ड, कैमरा एंड देन द लास्ट वन इज फिल्म कोऑर्डिनेट। अब दीज आर द थ्री फिल्म कोऑर्डिनेट, दीज आर द 3D कोऑर्डिनेट फिक्स्ड इन द वर्ल्ड से विद रिस्पेक्ट टू वन कॉर्नर ऑफ द रूम। आपके पास कोई भी 3D कोऑर्डिनेट है, आप अपने आपने कोई इमेज लेनी है कैमरा के थ्रू, तो आपको वो इमेज बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट शेप में जो है वो देगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 3D कोऑर्डिनेट फिक्स है, देन आपने उसको एक रूम के कॉर्नर में, यहाँ पे वो प्रॉबेबली कह रहे हैं कि आपने उसको चेंज कर लिया, देन आपके पास जो न्यू कैमरा कोऑर्डिनेट में इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये आपके पास एक 3D कोऑर्डिनेट था जो कि हम स्टार्टिंग में भी पढ़ के आ चुके हैं, जो कि 3D होता है। अब हमने इसको जब इसको मूव किया, देन आपने इमेज ले ली है, देन आपके पास जो कैमरा कोऑर्डिनेट में जो इमेज नज़र आएगी वो आपके पास कुछ इस, पर ये अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में वर्ड कोऑर्डिनेट बताऊँ, इट्स मीन कि आप अपने रियल लाइफ में आप जहाँ पे बैठे हैं, आप 3D सिस्टम में बैठे हैं, तो वहाँ पे आप किस तरह से देन आप कैमरा में वही इमेज लेना चाहेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से नज़र आएगी। पहले आपके पास 3D प्लेन कुछ इस तरह से था, देखें ये प्लेन कुछ इस तरह से बना हुआ है, देन आपने कैमरा में वही इमेज को पिकअप किया, तो देन आपके पास एक्स, अगर आपके पास यहाँ था तो आपके पास वाई यहाँ, जेड यहाँ, तो अब आपके पास एक्स कहाँ मूव कर गया, इधर मूव कर गया है, देन आपके पास वही वाई यहाँ हो गया, जब आपके पास यहाँ पे था देन जेड इज हियर, ये आपके पास छोटा सा कैमरा कोऑर्डिनेट। देन द नेक्स्ट वन इज कैमरा कोऑर्डिनेट फ्रेम, कैमरा कोऑर्डिनेट फ्रेम से आप किधर मूव करेंगे, फिल्म कोऑर्डिनेट में जब आप पिक कैप्चर कर लेंगे। अब दीज आर 3 कोऑर्डिनेट फिक्स्ड इन द कैमरा, अब आपके पास कैमरे के अंदर 3 कोऑर्डिनेट फिक्स हैं, एक्स वाई जेड। अब कैमरा का ओरिजिन क्या कहता है, द ओरिजिन ऑफ द कैमरा कोऑर्डिनेट इज एट द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ कैमरा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कैमरा गिवन है, देन आपके पास जो आपके पास ये एक्स अलोंग, एक ये वाई, ये जेड, अब आपने उस जब उसका जो ओरिजिन है कैमरे का वो क्या है, वो उस
प्रोजेक्शन है कैमरे की, मतलब कि प्रोजेक्शन वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जो जेड एक्सिस इज टेकन टू द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द कैमरा, आप जो जेड एक्सिस है आपकी वो आपके पास ऑप्टिकल एक्सिस होगी। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्शन कर रहा है, या जो ओरिजन है जो उसका सेंटर वो उसकी कैमरे की प्रोजेक्शन कर रहा है, और जो जेड एक्सिस है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये कैमरा है, यहाँ पर आप अपनी आई के थ्रू देखेंगे और कि कैमरे आगे जो नेक्स्ट पिक बना रहे हैं वो ठीक आ रही है कि नहीं। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये आपके पास जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो जेड एक्सिस क्या कह रहा है, ऑप्टिकल एक्सिस है। ऑप्टिकल आप कहते हैं व्यू करने का, व्यू करना या विजुलाइज करना चीज किसी चीज़ को, तो आप कैमरे की ऑप्टिकल एक्सिस को जो है वो पॉइंट आउट करता है। विद पॉइंट्स इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो हमने यहाँ पे बेसिकली कैमरा कोऑर्डिनेट में दो चीज़ें देखी, ओरिजिन क्या है, प्रोजेक्शन है कैमरे की सेंटर पे, एंड द जेड एक्सिस जो है वो उसके ऑप्टिकल एक्सिस है। द नेक्स्ट वन इज आपके पास है इमेज कोऑर्डिनेट फ्रेम, जब आपके पास फील्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम, जब आपके पास इमेज बन जाती है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट ये पॉइंट आपके पास शोर है, देन आपने उसको कैमरा में इमेज लेने स्टार्ट की, ये आपके पास कैमरा में इमेज, और जब आपने इमेज ले ली तो आपके पास एक न्यू इमेज बिल्कुल बन के आ जाएगी। पहले आपके पास कुछ इस तरह की वर्ड में, देन कैमरा में आपके पास कुछ चेंज इमेज शो होगी, एंड देन इमेज में आपके पास बिल्कुल उसकी डिफरेंट शेप सारा कुछ चेंज होगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक्सटेंसिंग क्लिक है, ये बस आप याद रख लें कि आपके पास ये अगर आपको याद होगा तो देन एप्लीकेशन इजीली आपके पास हो जाएंगी। देन नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, अब आपने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ये आपके पास वर्ल्ड कोऑर्डिनेट था, देन आपने उसकी कैमरा कोऑर्डिनेशन की। वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में आपके पास ये देखें, ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसका ओरिजिन है ये, देन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपने उसकी आप उसकी इमेज लेना चाह रहे हैं। देन आपने उसी चीज़ को जब कैमरे में देखा तो आपके पास एक्स आप जो न्यू इमेज बनी है आपने उसको एक्स सी कह दिया, वाई सी कह दिया, और आपके पास जो ओरिजिन है उसका वो बिल्कुल चेंज होगा। और जब आपके पास इमेज बनकर आ गई तो आपके पास एक रिक्टेंगुलर इमेज बनकर आएगी, और जो आपके पास कैमरे की इमेज है वो उसका जो जेड एक्सिस है वो उसके सेंटर से जो है वो विजुलाइज करेगा, और आपके पास बिल्कुल एक न्यू रिक्टेंगुलर इमेज बन के आई थी। ये थी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इन द केस ऑफ कैमरा। अब आपके पास रोबोटिक्स, रोबोटिक्स क्या कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग ए रोबोट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द काइनेमेटिक्स वेयर द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स परफॉर्म्ड। आप रोबोटिक्स में क्या होता है, रोबोट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स आपने 9th में सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, मूवमेंट को कहते हैं। तो जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होती है कोऑर्डिनेट फ्रेम्स के दरमियान में, मतलब आप एक चीज़ को मूव कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में मूव कर रही है, तो यहाँ पे बेसिकली रोबोटिक्स इज काइनेमेटिक्स। अब ये फ्रेम्स अटैच होते हैं विद डिफरेंट रोबोट लिंक्स ऑफ द रोबोट। वेक्टर एंड मैट्रिसेस आर यूज्ड इन रोबोटिक्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, और मैट्रिसेस में आप रोबोट्स यूज़ करते हैं, आप यूजेस पूछ सकते हैं, वो आपके पास शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए 2D और 3D पोजीशंस को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिजिड बॉडी मोशन को, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को, ये कुछ यूजेस पूछ सकते हैं। एंड देन आपसे रोबोट्स में वो पूछ सकते हैं कि आप क्या करते हैं, मैकेनिक्स करते हैं, काइनेमेटिक्स, आपके पास एक और वर्ड भी था याद नहीं मुझे। देन आपके पास काइनेमेटिक्स के थ्रू आप रोबोटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और वो ट्रांसफॉर्मेशन किधर होती है, कोऑर्डिनेट फ्रेम्स के दरमियान में होती है। एंड देन द लास्ट वन इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स डील विद जनरेटिंग इमेज विद द एड ऑफ कंप्यूटर। अब आप किसी कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर की मदद से आप कोई इमेज जो है वो जनरेट करते हैं। आप ग्राफिक का कोर्स यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किया होगा। तो टुडे कंप्यूटर ग्राफिक इज़ अ कोर टेक्नोलॉजी इन डिजिटल फोटोग्राफी, फिल्म, वीडियो गेम, सेलफोन, कंप्यूटर डिस्प्लेज एंड मैनी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। आप कंप्यूटर ग्राफिक बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, ये सारे कुछ जो अभी हमने देखा, डिजिटल में, फिल्म में, सेलफोन में, कंप्यूटर डिस्प्लेज एंड मैनी स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में हम कंप्यूटर ग्राफिक की टेक्नोलॉजी को देखते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्यूटर ग्राफिक में किस तरह से होती है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जब स्टार्ट किया तो ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, ये सारा कुछ पढ़ा। ट्रांसलेशन में हमने कहा था सेम शेप सेम सारा कुछ सेम रहता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज टू चेंज द ऑब्जेक्ट। कंप्यूटर ग्राफिक में ट्रांसलेशन जब होती है, मतलब कि आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यहाँ पे यूज़ होती है, पोजीशन में मतलब कि आपके पास ट्रांसलेशन हो रही है, सेम पोजीशन उसकी रहती है, साइज
मतलब कि स्केलिंग हो रही है, उसका साइज चेंज होता है जब आप किसी की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ऑब्जेक्ट की ओरिएंटेशन करते हैं, इस मीन कि आप रोटेट कर रहे हैं। अगर आपका पहले ऑब्जेक्ट 0 डिग्री पे पड़ा है तो आप उसको 90 डिग्री पे, 90 पे है तो अगर आप 180 पे करना चाह रहे हैं तो रोटेशन कर रहे हैं। देन शेप्स एंड शेयर, शेप्स और शेयर, अब हम इसको पहले बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी कि स्केलिंग तो साइज, ट्रांसलेशन तो सारा कुछ सेम, रोटेशन तो आप एंगल चेंज कर रहे हैं, शेयर तो शेप चेंज कर रहे हैं। देन एक और भी हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। ये था थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन, होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।